हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेवी रॉक्स टीम्स। तो आप लोगों के लिए आ गया मैं ये मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा यूरोपियन टी10 लीग रोम का ALCC वर्सेस RBCC के बीच 3 घंटे 53 मिनट बाद। बात करूं भाइयों इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद कहाँ मिलेगी। इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है AVROCKS ड्रीम 11 टीम्स। फटाफट आकर इस पर जुड़ो और इधर आप पा सकते हो 100% विनिंग टीम हर मैच की, जीत सकते हो कुछ ऐसे आप देख ही रहे हो। और आप चैनल का नाम एक बार ध्यान से देख लो, क्योंकि अगर आप नहीं देखते तो आपको चैनल मिलेगा नहीं, क्योंकि लिंक नीचे वर्क नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको चैनल का नाम दिखा रहा हूँ और आइकन भी देख लो भाइयों, और चलते हैं आगे। सबसे पहले बात कर लो भाइयों मैं इस मैच की। मैच काफ़ी बढ़िया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स की आप मतलब जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो लेस या फिर मीडियम ही करना, ह्यूज इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि भाई थोड़ा सा रिस्की मैच है बिकॉज एक टीम नई है। बात करूँ विकेट कीपर की तो जी सिंह का भाइयों विकेट कीपिंग ऐसा रहा कि प्रीवियस मैच में इसने 12 रन मारे और आप देख सकते हैं भाइयों, और एक कैच भी पकड़ी। तो बाकी देखो विकेट कीपिंग तो अच्छी करता है, लेकिन अगर मैं आपको एक राय दूं तो अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो तो इस प्लेयर को ट्राई करना मत भूलना, बी चंद्र विकाश। ये बहुत जल्दी बैटिंग पे आ सकता है आज के मैच में। बात करूँ बैट्समैन की तो के अब्दुल का भी जवाब नहीं भाई बैटिंग में। कादिर अब्दुल का अगर इसकी बैटिंग आई, समझो अगर इसकी बैटिंग जल्दी आ जाती है तो उस दिन छक्के चौकों की बरसात करेगा ये प्लेयर, और मैं इस प्लेयर को जानता हूँ अच्छी तरह क्या प्लेयर है। और आगे से बात करूँ एस सिंह की, तो एस सिंह जहाँ से आपको मिलता है सुखबीर सिंह, जो कि भाइयों प्रीवियस मैच में मेरे को लगा ये करेगा वो करेगा, लोगों का कैप्टन है, किसी का वाइस कैप्टन है, लेकिन ये बंदा चले जाता है फ्लॉप, और ये बॉलिंग भी कराता है, प्लस इसकी इकॉनमी रेट हो जाती है -4। तो भाइयों इसलिए मुझे पिछला मैच इसका बढ़िया नहीं लगा। आगे से बात करूँ ए राजीव देखो एक रिस्की प्लेयर है, ए राजीव जो प्लेयर है एक मतलब मान लो रिस्की है। अगर आप चाहो इसकी जगह एक प्लेयर ट्राई करना, देव पूरा दूर करना भाई, जो आप प्लेयर देख रहे हैं पिछले मैच में जब मैच एबंडन हुआ था तो इस प्लेयर की सिलेक्शन 90% के करीब थी। अब मैं हैरान हो गया हूँ कि इसकी परसेंट 60 मतलब इसकी सिलेक्शन 7% है। तो आप इस प्लेयर को ज़रूर ट्राई करना अपनी ग्रैंड लीग की टीम में, क्योंकि इसके 80% चलने के आसार हैं। अब मैं ऑलराउंडर की बात करूँ, यार सी सिंह पिछले मैच में फ्लॉप गया और इसके मैं जानता था कि इस बार आज के मैच में चलने के इसके आसार हैं, लेकिन ग्रैंड लीग में ट्राई करना। ये ना हो कि आप स्मॉल लीग में कर लो और उसके बाद हार जाओ, क्योंकि जो भी कल मैंने लीग खेली थी CPL, तो मतलब मैंने अपने ओपोनेंट देखे, मैं 3 मेंबर खेला था कल, तो मतलब बिल्कुल हल्के, मतलब किसी का कैप्टन भाई वो एमरिट है, जो कि आप देख सकते हैं एमरिट तो बिल्कुल नहीं चला। तभी आपको बता दूं कि ध्यान से आप खेलना कि सेफ जाओ। ए सिंह की जैसे कि मैं बात करूं, ए सिंह मुझे एक सही प्लेयर लगा इनकी टीम का, जिसने कि 47 रन मारे एक ही इनिंग में। ये प्लेयर बढ़िया खेला, इसने छक्के चौकों की बरसात भी की, 4 छक्के एंड 3 चौके भी मारे थे, और ये प्लेयर भाई काफ़ी बढ़िया और एक्सपीरियंस है। आगे से बात करूं, अगर आपको कुछ नया करना है तो AMD राहत के साथ जाना। अब AMD राहत के साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये टॉप ऑर्डर का बैटिंग करता है और साथ ही साथ भाइयों इसकी बॉलिंग का जवाब नहीं है, मतलब एक मैच में 2 से 3 विकेट्स लेता ही लेता है। और एक प्लेयर है एच फहाद, ये इसके साथ भी आप जा सकते हो, लेकिन मैं इसकी जगह चुन रहा हूँ SM रेहान भाइयों ही होगा, क्योंकि हमेशा लो प्लेयर लेता हूं और आज का मेरा गोल्डन प्लेयर है SM रेहान। अगर आप चाहो तो इसकी जगह H फहद SM रेहान, दोनों में से कोई एक लेना ही लेना है, मतलब आप ठान लो कि इन दोनों को लूंगा, इन दोनों में से एक लूंगा ही लूंगा। आगे से बात करूं जी सिंह की, तो ये प्लेयर है गुरसेवक सिंह फुल्ली एक्सपीरियंस्ड, एक लीग नहीं भाई, वो काफ़ी लीग्स खेल चुका है यूरोपियन टी10। तो प्लेयर को सैल्यूट है भाई इसकी, मतलब देख के स्टेटस की क्या स्टेटस है प्लेयर का, अच्छा प्लेयर है भाइयों ये काफ़ी। और आगे से बात करूँ बॉलर्स की, तो ए अहमद का क्या है भाइयों, मतलब आज इसके मतलब अगर ये सिंगल विकेट भी ले गया तो समझो हमने इसको वसूल लिया। पिछले मैच में बॉलिंग पे ही नहीं था, पहली सबसे मेन बात, आज के मैच में देखते क्या करता है। और आगे से बात करूँ ए आनिक तो भाई 99% खेलने के इसके चांसेस हैं, क्योंकि एक आनिक ही ऐसा बॉलर है अपनी टीम के पास जो कि चलने के आसार है इसके। आगे से बात करूँ एच मोहम्मद की, तो एच मोहम्मद भी पक्का खेला आएगा, क्योंकि एच मोहम्मद महीर एक्सपीरियंस बॉलर है और हमेशा यूरोपियन टी10 वाले एक्सपीरियंस प्लेयर्स को भेजने की तैयारी करते हैं। बात करूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की, सबसे मेन कैप्टन मेरा रहेगा ए सिंह और वाइस कैप्टन AMD राहत, और कॉम्बिनेशन बेस्ट है बिकॉज वाइस कैप्टन के साथ जाता, अगर मैं वाइस कैप्टन चुनना चाहता तो मैं गुरसेवक सिंह के साथ भी जा सकता था, पर भाइयों AMD राहत का जवाब नहीं। बाकी मिलता हूँ भाई अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ। आपका दिन शुभ रहे।